पुलिसकर्मी ने कोर्ट के सामने कार से मारी टक्कर, टक्कर के बाद हुआ ट्रैफिक जाम, वकीलों ने जताई नाराजगी। कार चला रहे एक पुलिसकर्मी ने कोर्ट के सामने दूसरी कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद वहां जाम की स्थिति बन गई। कोर्ट के बाहर इस तरह से आए दिन ही जाम की स्थिति बनती रहती है। कोर्ट के वकीलों ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। कोर्ट के सामने सामने से रॉन्ग तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, कार वो कार सामने से आती है, गाड़ी से साइड बैग हो गए, टकरा गई, इस वजह से जाम लग गई रॉन्ग साइड। और ये यहाँ आम बात है, आए दिन एक्सीडेंट होता है कोर्ट के सामने। कार में कार में बात तो बोली पहले जो भी थे वो कार चला रहे थे, कार तो बंद थी, लेकिन उन्होंने किसी वजह से जो ये काम पिकअप थी जो सामने से आ रही थी रॉन्ग साइड से, वो आपस में टकरा गई। और ये माहौल यहाँ आम बात होती है, ये माहौल होना। कार चालक जो पुलिस वाला था वर्दी में था, नशे में था? नहीं नहीं, ये तो खैर जानकारी नहीं है, वो नशे में थे या नहीं थे जो भी थे, लेकिन बस दोनों का आपस में हल्का सा टकराव, इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक लग गया। मतलब जाम एक ही कारण रहा ना, जाम जाम लगने का प्रमुख कारण यही रहा, लेकिन ये आम बात है यहाँ पर कोर्ट के सामने होना। मेरा एडवोकेट खेमचंद जौनपुर।